ये आ गया जी हबीब बैंक प्लाज़ा सीविया का। और चूँकि आज संडे है तो संडे की वजह से जो है ना वो सारी शॉप्स वगैरह जो हैं वो बंद हैं। ये आपके इस साइड पे जो है ना ये एक्वेरियम है वो रामा दामा है। और इस टाइम पे अगर मैं देखूँ तो अभी भी 20 मिनट की जो है ना वो मज़ीद वॉक है यार। 41 डिग्री और इतनी प्यास लग रही है ना, तो पानी पीते हैं थोड़ा सा। और जब मुसलमानों को स्पेन से बाहर निकाला जा रहा था। चलें भाई अभी हम पहुँच गए हैं सीविया और सिवेल जो है, और गाड़ी जो है वो हमने अपनी इधर पार्क कर दी है। और ये आप चेक करें ज़रा, ये सीविया शहर जो है ये उसकी एक कराची वालों के लिए हबीब बैंक प्लाज़ा, बिल्कुल जो है ना वो हबीब बैंक प्लाज़ा की तरह की ये बिल्डिंग है, गोल गोल सी ना। इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ आगे होके, जूम इन करके ज़रा सा। ये इधर आ गए अब हम लोग, ये देखें भाई, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जूम इन। ये आ गया जी हबीब बैंक प्लाज़ा सीविया का। अच्छा यार ये सीविया की जो है ना मिट्टी बड़ी मज़ेदार किस्म की है वैसे, ये ज़रा देखें आप, अलग ही रंग है ना इसका। और जिस तरीके से हमारी वो लाल ईंट होती है ना, लाल ईंट की तरह की मिट्टी है ये। लाल ईंट तो खैर भट्टी में पक्के हो जाती है, बट ये है ही ऐसी, है ही लाल मिट्टी। मौसम जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है जहाँ से हम आ रहे हैं, ग्रनादा कोडोवा वहाँ पे जो है वो ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी जो है वो कम। तो अभी हम यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे कासल की तरफ, तो आइए चलते हैं। और ये हर जगहों पे इन्होंने जो है ना वो पार्क वगैरह बनाए हुए हैं शहर के अंदर बैठने के लिए, जहाँ पे अच्छे दरख्त वगैरह लगे हुए थे। ये रबर प्लांट आप देखें कितना पुराना है, कितना पुराना दरख्त है यार ये। और ये सामने ये दोनों ठीक ठाक पुराने जो है ना ये रबर प्लांट के दरख्त हैं, और नीचे इन्होंने वो लगाया हुआ है इसके मार्बल लगाया हुआ है। और ये सामने जो स्टैचू है ये मोरेलो का स्टैचू है। और ये जो है इधर ये है जी रबर प्लांट, इतना बड़ा रबर प्लांट है यार ये, पता नहीं कितना पुराना रबर प्लांट है ये, ठीक ठाक पुराना है। कोई बहुत ही तारीखी रबर प्लांट है ये, तो जिस तरीके से ये फैला हुआ है इसने, ये दो रबर प्लांट्स ने जो है ना पूरे पार्क के ऊपर छांव की हुई है। अच्छा कल जो है जब हम देख रहे थे होटल वगैरह रहने के लिए, तो हमारा इरादा था कि हम डायरेक्ट जो है तो इधर सीविया आ जाएं और यहाँ पे आके हम रात गुजारें, कि ताकि हमें जो है वो ये जो अभी हमने सुबह के ट्रैवल किया है ये हमारा बच जाए और हम जल्दी जल्दी सिटी देख के आगे निकल जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ एक तरह से हैं हाँ शहर के हिसाब से भी थकन जो थी उसकी, हाँ हम थके हुए भी काफ़ी थे यार, क्योंकि जब से सफ़र शुरू किया है मेरी तो फ्लाइट बहुत जल्दी की थी, सुबह की थी, तो मैं तो 5 बजे का उठा हुआ था। और दिन में हमारी जो एवरेज नींद हो रही है वो हो ही आई थिंक के 4.5 से 5 घंटे हो रही थी ना। हाँ एग्जैक्टली। और हम जो है ना कल जो है ना सही मज़े का सोए हैं बेसिकली, और मोहित भाई भी माशाल्लाह सही सोए हैं। क्यों मोहित भाई? मैं तो हमेशा ही सही सो जाता हूँ, आप ही को मसले हो। हाँ नहीं भाई मेरी नींद बहुत कच्ची है, तो इस वजह से जो है ना मुझे तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा क्या आपको क्या वाइब आ रही है वैसे मोहित भाई शहर की?
सर मतलब संडे के हिसाब से इस वक्त हम गनाडा भी पहुँचे थे या करोबा भी पहुँचे थे, तो वो जो लाइवलीनेस वहाँ पर थी यहाँ पर नहीं है। नहीं, लेकिन एक आती है ना आपको शहर की, क्या कहते हैं उसको, एक आपको आती है ना शहर की, जिसको कहते हैं पहली वाइब जो एक आती है, फर्स्ट इम्प्रेशन। सो इट्स मतलब टूरिस्ट वहाँ के मुकाबले में कम है यहाँ पर, और जो लाइफ वहाँ नज़र आती है दोनों शहरों में, चाहे वो टूरिस्ट की हो चाहे वो लोकल रेजिडेंस की हो, वो यहाँ तक अभी तक तो नहीं मिली। और अब तकरीबन हाफ दिन हो गया है और संडे का होते हुए एटलीस्ट लोकल बंदा आपको आउटसाइड नज़र आना चाहिए था, वो नहीं नज़र आया अभी इतना, और हम सेंटर में हैं। हाँ, उतनी लाइफ नहीं है यहाँ पर। चलें, आई थिंक वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि हम अभी जो है ना वो सेंटर में घूमने, और चूँकि आज संडे है तो संडे की वजह से जो है ना वो सारी शॉप्स वगैरह जो हैं वो बंद हैं। तो अच्छा, ये ज़ारा एक खुली हुई है, ये ज़ारा तो ब्रांड यहीं का ही है ना। तो बाकी अगर हम अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं तो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या वाइब है। अगर मुझसे पूछेंगे तो ये जो है ना बेसिकली एक तरह से ये समझ लें कि अभी तक तो हमें वो मॉडर्न शहर ही नज़र आ रहा है कि जिसमें ज़्यादातर जो है वो शॉपिंग एरियाज़ हैं। और ये देखें, ये एक स्ट्रीट भी एक है, आई थिंक ये शॉपिंग स्ट्रीट है। तो यार इधर से होते हुए चलते हैं वैसे ये स्ट्रीट, अगर आपको समझ आती है तो चलें इस तरफ चलते हैं। तो भाई बस हमने अपना सफ़र जारी रखा है, हम उस तरफ नहीं मुड़े क्योंकि अभी हमारी मेन जो प्रायोरिटी है वो वही पैलेस ही है। तो पैलेस चलेंगे पहले, उसके बाद जो है ना फिर बाकी सिटी देखेंगे। अगर हम बात करें गर्मी की तो गर्मी जो है ना कंपेरेटिवली यहाँ पे कम है जहाँ से हम आ रहे हैं उसकी नस्बत। अच्छी हवा चल रही है, मज़े की हैदराबाद वाली हवा चल रही है, जो कि हमें कोडोवा में जो है वो इस तरह की हवा शाम के वक्त हमें जो है वो मिली थी, और बड़ा मज़ा आया था यार सही मानों में जो है ना। वो कोडोवा में शाम को वो हैदराबाद वाली हवा चलती थी और सही जो है ना वो मज़ा आता था। हैदराबाद की जो है ना वो यादें ताज़ा हो जाती थी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, वैसे संडे का इफ़ेक्ट नहीं है। कोडोवा में जो था वो दुकानें बंद थी, सिटी सेंटर ना, वो जो हम लोग जहाँ रह रहे थे सिटी सेंटर था ना मेन। हाँ एग्जैक्टली जी, सिटी सेंटर खुली नहीं। हाँ, हम थोड़ा सा बाहर जब निकले थे उस वक्त तो शॉप्स वगैरह जो हैं वो क्लोज थी, तो इधर तो वाकई में जो है ना वो शॉप्स वगैरह जो है वो ओपन है इधर भी ना। बाकी यार देखने के लिहाज से जो है ना यहाँ पे बहुत जगह हैं, अट्रैक्शंस बहुत हैं यहाँ पे। स्पेन जो है ना वो नॉर्थ टू साउथ जो है ना वो भरा पड़ा है देखने वाली जगह से, मॉन्यूमेंट से, हिस्टोरिकली जो है ना काफ़ी रिच है। और ये वही जगह जगह जो इन्होंने वो बोगेनविलिया लगाया हुआ है। हाँ, वो गाय जो है ना फिर वहाँ से तांका झांकी कर रही है वो उधर जो है। नहीं नहीं, हम पैदल ही चलेंगे, पैदल चलना जो है वो, हमने अपनी बैटरी थोड़ी सी रिचार्ज कर ली है तो हम जो है ना वो पैदल ही चलेंगे थोड़ा सा। ये आपके इस साइड पे जो है ना ये एक्वेरियम है, काफ़ी इन्होंने जो है ना वो मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एक्वेरियम का, काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है ये ना, ये देखें। ठीक ठाक बड़ा एक्वेरियम है। और ये इस साइड पे वही जो बिल्डिंग्स हैं खूबसूरत से कलर्स वाली, और स्पेन हो और कैथीड्रल और चर्चेज ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो है वो कैथीड्रल भी है।
ये लोग भी जो है ना हमारी तरह दूर दूर से जो है ना वो बातें करते हैं, शोर करते हैं। हमारे वाली जो है ना आदत हैं। अभी ये हम जो है ना वो ओल्ड पार्ट वाले जगह पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो यही रहने की जगह हैं, ये हॉस्टल्स होटल्स वगैरह। तो हाँ यहाँ पे तो ज़्यादातर वही हैं। तो हम जो है ना अब यहाँ से चलते हैं वापस। तो भाई अभी हम थोड़ा सा ही दूर हैं कासल से, और अच्छी खासी हमने लंबी वॉक कर ली है आज भी। तो अभी हम जो है वो रामा दामा हैं, और इस टाइम पे अगर मैं देखूं तो अभी भी 20 मिनट की जो है ना वो मज़ीद वॉक है। और थर्मल बाथ, सेंटा क्रूज क्वार्टर, सलीनास पैलेस। हमने जाना है जी सीधा, ये बेल्जियम का झंडा लगा हुआ, पता नहीं कोई एम्बेसी शेम्बेसी शायद है या उनकी कॉन्सुलेट वगैरह। नहीं, क्योंकि तीन झंडे लगे हुए ना, तो तीनों जगहों का रहने वाला। हाँ सही बात है, एग्जैक्टली अच्छा ये छोटी छोटी गलियाँ जो है ना इसके अंदर, ये इन्होंने इसमें भी जो है ना वो चलने की जगह अच्छी खासी बड़ी है। आगे जाके थोड़ी सी नैरो हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो वो राइट साइड पे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। सर रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कॉन्सुलेट है ना सर, ये जर्मन कॉन्सुलेट है, ये साइप्रस की कॉन्सुलेट है, और ये पता नहीं कहाँ की है, ये इटली का झंडा लग रहा है मुझे, तो ये कॉन्सुलेट्स ही हैं। अच्छा तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये देखें चलने की जगह अभी भी बड़ी है, यहाँ पे आगे अगर थोड़ा सा नैरो हुई है तो उन्होंने उधर बना दी है फुटपाथ, आप उधर जो है ना फिर वो जाके चल सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रायोरिटी है वो पैदल चलने वालों के लिए है। तो अभी हम इधर से जाएंगे इधर अंदर से शेड से। चलें यार मेन रोड पे चलने के बजाय हमने सोचा कि हम क्यों ना इसके अंदर से चलें पार्क के, ना एंट्रेंस सामने से है तो लोग जा रहे हैं। ये देखें कितनी पार्किंग है यार यहाँ पे। और खैर हमें पता नहीं था, इसी तरह ही बंदा जो है वो करता है, सीखता है, अनलेस कि आपका कोई जानने वाला हो जो आपको गाइड करे या जो यहाँ पे पहले आया हो। तो हम तो चूँकि पहली मरतब आए हैं तो हमें जो है वो आइडिया नहीं था कि किधर हमने जो है ना वो जाना है, किधर हम गाड़ी लेके जा सकते हैं, किधर पार्क कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे लिए तो जो है ना ये हिट एंड मिस वाला सीन है। और ये देखें ये पार्क है भी कितना खूबसूरत ना, कि ये इन्होंने यहाँ पे फाउंटेंस वगैरह लगाए हैं, और बैठने की जो जगह हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। आगे भी फाउंटेन है। अब ये हमें नहीं पता आया कि ये पानी जो है वो हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। डिग्रीज़ यार 41 डिग्री, और इतनी प्यास लग रही है ना, तो पानी पीते हैं थोड़ा सा। तो चलें भाई अब हम पहुंच आए हैं प्लाज़ा पे, पैलेस पे हम आ गए हैं। और आप देखें ज़रा इधर, अब आपको आके पता लगता है कि लोग आए हुए हैं काफ़ी सारे ना, रश है, और ये ठीक ठाक बड़ी जगह है, ठीक ठाक बड़ी जगह। अच्छा ये जो है ना
ढाई यूरो में आप जो है ना वो ये फ़ोटो खिंचवाओ, जो कि ये वाली जो है ना इन्होंने वो किया है ना, काफ़ी सारे ड्रेसेस लगाए हुए, तो ऑब्वियसली आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आई थिंक के इसके लिए जो है ना ढाई यूरो बहुत हैं। और ये देखें ना कैसी ज़बरदस्त जो है वो वाइब्स हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग आए हैं, टूरिस्ट जो हैं। अच्छा जी, ये अब ये सारी जो मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ, ये बेसिकली जब रिकॉन्क्वेस्ट हुआ था, जब फर्डिनेंड और इज़ाबेल ने जो है ना वो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो जंग डिक्लेयर कर दी थी, और जब मुसलमानों को स्पेन से बाहर निकाला जा रहा था, तो उस वक़्त जो है ना ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों की, मुख्तलिफ़ शहरों की ये इन्होंने जो है वो डिपिक्शन की है कि क्या हालात थे, किस तरीके से जो है ना वो मुसलमानों को इन इलाक़ों से बाहर निकाला गया था। तो ये देखें जी, ये जिरोना, ये ग्रनादा, ग्वादलहारा। तो ये देखें यार, यानी कि कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ इन्होंने अपने इलाके वापस लिए, बल्कि इसको जो है ना वो तारीख के जो सफ़ात हैं उनमें तो इन्होंने जो है वो ज़रूर तहरीर किया कि लोग उसको पढ़ सकें, बट इन्होंने जो अपने मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी जो बनाए हैं उसके अंदर भी इन्होंने जो है वो इसको डिपिक्ट किया है कि लोग जो है ये लोग, अब ये देखें ना ये कासल कितना पुराना है, ये प्लाजा जो है, पैलेस जो है, और इतने 100 साल से हर आने जाने वाला बंदा जो है वो एक चलती फिरती हिस्ट्री जो है ना वो यहाँ पर देख रहा है। ये देखें जी, तो इसको कहते हैं जी नेम एंड शेम करना, कि किस तरीके से जो है ना इन्होंने ना सिर्फ के मुसलमानों को यहाँ से निकाला, बल्कि उनको अभी तक जो है ना वो नेम एंड शेम कर रहे हैं। और इसमें जाहिर सी बात है हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये चल रहा है म्यूज़िक और आवाम जो है वो खड़ी हुई देखने में लगी हुई है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे बहुत सारी आवाम नज़र आ रही है ना, ये आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई है फ्लेमिंको डांस की परफॉर्मेंस देखने के लिए, जो कि अंदलुसिया का खासा है। फ्लेमिंको डांस यहाँ का बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, और दूर दूर से लोग जो है ना वो इस डांस को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। अच्छा, इस डांस की खासियत यह है कि इसमें जो परफॉर्मर होता है वो जो है स्टोरी के ऊपर, जो गाना होता है वो एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड होता है, और उस पर जो है ना वो परफॉर्म करता है। तो चलें आपको जो है वो फ्लेमिंको डांस की परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, और वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और यहीं से ही जो है ना वो दोबारा वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं यहीं से ही अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Todo termina.
vida igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Yo camino y te